हेलो फूडीज, वेलकम टू होमेज कुकिंग शो। कॉफी तो लेके आ गए आप लोगों के लिए। आज हम बनाने वाले हैं टमाटो पुलाव। सो जिस किसी ने अभी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे हमारी बाकी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सो टमाटो पुलाव बनाने के लिए हम लोग को 2 टोमेटोस एंड 2 अनियन चाहिए, उसको हमें फ्राई चॉप कर लेना है। नेक्स्ट हमें कढ़ाई में 1 TPS ऑयल डाल लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद हमें इसमें डाल देना है 1/2 TSP मस्टर्ड सीड्स। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लैक कार्डमम, 3 क्लव्स एंड 4 ब्लैक पेपर। 10-15 सेकेंड के लिए इसको सॉटे कर लेना है। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 3 ग्रीन चिलीज, मैंने इसको बीच से कट लगा के डाला है, और 2 हमें डाल देना है साबुत लाल मिर्च। थोड़ा सा इसको हमें चला लेना है। नेक्स्ट हम डाल देंगे इसमें अपने चॉप्ड अनियंस। सो हमें अपने अनियंस को अच्छे से सॉटे कर लेना है। वन बाय टू टी एस पी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हमारे अनियन हम रेडी हो गए, उसमें 1/3 कप मटर डाल लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से चला लेना है। अब इस साइज में हम लोग डाल लेंगे चॉप टोमेटोस। टमाटो डाला है तो सॉल्ट भी तो डलेगा ही डलेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। सो सॉल्ट को मिक्स करने के बाद हम इसको लेट से कवर कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। सो हम लेट हटा के देख लेंगे हमारे टमाटर रेडी हो गए कि नहीं हो गए। समय टमाटर रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। डेढ़ चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। सो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनेगा हमारा राइस और बहुत ज़्यादा अच्छा कलर निकल के आएगा। आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे जीरा पाउडर। सब हमें अपने स्पाइसेस को मिक्स करके उसको थोड़ी देर सॉटे कर लेना है। अब हमें इसमें ऐड कर लेना है बॉयल्ड राइस, मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे। अब हमें अपने राइस को वेजीज के साथ पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा हम लोगों को ऊपर से डाल देना है ग्रीन कोरिएंडर। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने राइस में। नेक्स्ट हमें अपने राइस को लेट से कवर कर देना है 1 मिनट के लिए। तो हम लेट को हटा लेंगे। हमारे राइस अब रेडी हो गए हैं, फ्लेम को ऑफ करके अब हम अपने राइस को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे।
समय टमाटो पुलाव रेडी हो गया। अब इसको एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इस दिवाली इसको जरूर बनाइएगा। ये किड्स को आपके बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।